सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और पत्रकार भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि दिवाली के दिन भी आपने पर नष्ट कर दिया। कल मैंने जयदीप राणा को देखा कि जो ड्रग पेडलर है कुछ जानकारी देश और आम लोगों में रखने का काम किया, जो कि एक गाने का फाइनेंस हेड था, ये जानकारी लोगों ने सुनी। कल से कहा जा रहा है कि मैं किसी के बीवी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कुछ लोग ये शोर मचा रहे हैं कि महिलाओं तक ये पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 26 दिन में दो महिलाओं के अलावा मैंने किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेकर कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। दोनों महिलाओं का उल्लेख इसलिए आया तस्वीर कि उनसे चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका उल्लेख आया। लेकिन जो लोग महिलाओं को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या दूसरों की माँ बहनें ये महिलाएं नहीं हैं? कल किरीट सुमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की माँ का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। इससे पहले संजय राउत जी की बीवी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया था। खड़से साहब की पत्नी को ईडी के कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया गया। किरीट सुमैया महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी को बार बार उनका नाम लेकर आरोप करते रहे। क्या इनके घर की महिलाएं महिलाएं हैं और बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं? हमें लगता है कि अस्तर जो बीजेपी गिरा रही है, हमने कोई अस्तर नहीं गिराया, ये सीधे लोगों को सामने आएगा। कल मैंने जो भी आरोप लगाए, कोई आरोप हमने हवा में किसी के नहीं लगाया। ड्रग पेडलर गाने का ये फाइनेंस हेड है, ये सवाल हमने करेंगे। और कल देवेंद्र जी ने, जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता है, उन्होंने कुछ मुझ पर आरोप लगाए और उन्होंने एक बात कही कि मैं आरोप लगाने के बाद कभी माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े है, पंचनामा मंगा दीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, उसका पंचनामा है। और मैं मीडिया के साथियों को पंचनामा साझा कर दूंगा। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.